हेलो हेलो महमूद। जी जी मैं महमूद बोल रहा हूँ, आप कौन? हेलो महमूद, कैसे हो तुम यार? मैं रशीद बात कर रहा हूँ। और कौन बोल रहे हो बदतमीज? और यार मैं शीदा बात कर रहा हूँ। शीदा? शीदा? और कौन शीदा यार? मैं किसी शीदे को नहीं जानता। तू भूल गया यार, जब चाचा शुकुर के साथ मिलके हम गोबर उठाते थे, भूल गया तू? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और महमूद ने कभी गोबर शबर नहीं उठाया है, बकवास करता है तू। तू है कौन बदतमीज? यार मैं रशीद, तेरी चाची की बेटी की भाभी की बहन के बनोई का पुत्र हूँ। ओ भाई, और तू जो भी है ठीक से बता तो सही यार। अच्छा सुन, तेरी बाजी के खावन का बेटा, तेरा दोस्त, तेरा कजन हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा, और शीदे, और तुमने कैसे फोन कर लिया आज मुझे? ओ यार मैं शहर आया हुआ हूँ, सोचा तुझसे मिलता चलूँ। यार मुझसे तेरा एड्रेस गुम हो गया, जरा अपना एड्रेस तो बता दे। मेरा पता? हाँ हाँ लिखो लिखो। हाँ हाँ बोलो ब्रो, एड्रेस बताओ। हेलो 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 हेलो, यार आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, ये नाक से अखबार उठा ले आज से। आपके लिए चाय लाऊं, कावा लाऊं, काफी लाऊं, क्या लाऊं? नहीं यार कुछ भी नहीं। क्या बात है साहब जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपका मुंह पिंडी तोरी की तरह लमक रहा है। हाँ ना, अभी फोन आया था गांव से यार। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, गांव में आपका कोई लेला गुम हो गया है? लाडले वो मेरे दोस्त का फोन था। अच्छा तो दोस्त परेशान है? और नहीं यार, और मैंने ना उसकी बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया यार। अच्छा तो आवाज नहीं आ रही थी? आवाज आ रही थी यार, वो बस मैंने उसका फोन सुने बगैर ही ना हेलो हेलो करके फोन बंद कर दिया यार। आप तो फिर बहुत झूठे हैं, यू आर लायर। और इस ये गांव के लोग ना बड़े ढीठ होते हैं यार, आपकी तरह। और मेरे खुदा लाडले, तुमसे तो बात करनी फजूल है यार, जाओ यार कहीं दफा हो जाओ यार। तुम कहाँ जाऊँ मैं? यार जा यार कहीं ठिठू में जा यार कहीं, जा मेरा दिमाग मत खा यार। जा खूब पहले ही चटाया तो मैं उधर जाके क्या करूंगा? मेरे खुदा जा यार लाडले। तो आराम से भी बंदा कह सकता है, इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं? मैं कुछ दूसरे गांव में बैठा हूँ, पता ही नहीं। एक तो खिदमतें करो, आप मुझे घूर घूर के ना देखें, आप मुझे घूर के देखते मुझे कुछ गाड़ियाँ निकलती है। यार मैं आगे ही परेशान हूँ लाडले यार, जा यार। इंशाल्लाह आगे भी परेशान ही रहोगे। We'll be right back.
मैंने बस फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया? वो यही कि अब मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वहाँ जाकर क्या करोगे? मैं वहाँ जाकर बिजनेस करूंगा और क्या करूंगा। शाजी, जो तुम यहाँ कर रहे हो ना वही बहुत है। सुना ना, मैं ना वहाँ जाकर होटल खोलूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पापा किस दिन काम आएंगे? पापा आज तक तो वही तुम्हारे काम आए। हाँ, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दें। अमेरिका में मेरे साथ रहें, मुझे एक अच्छा सा होटल वहाँ पे खोल के दें। बस शर्म का मकाम है शाजी। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। शर्म तो आएगी तुम्हारे पापा को हमारे साथ रहते हुए, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे पापा को कहीं और रख लूंगा। शट अप शाजी, मैं अपने पापा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। सुना ना, वैसे एक बात है, तुम्हारे पापा को ना अब तक डिलीट, मेरा मतलब है मर जाना चाहिए। शट अप। हाँ, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल उनकी टिकट, मेरा मतलब है कि नहीं कटी टिकट। ओह शट अप शाजी। ओह थैंक यू तारीफ के लिए। आपको दूध वाला लगता हूँ? तो क्या तुम यहाँ दूध देने नहीं आए हो? नहीं जी, दूध तो मैं गांव में देता था। पता है मेरी 30 मजे हैं। अच्छा, तो भैंस बेचने आए हो? ओ बाजी, मैं कुछ बेचने नहीं आया यहाँ। और चूड़ियों वाले, टमाटर जैसी शक्ल, कद्दू जैसी शक्ल, मुझे बाजी कह रहे हो? बता बता कहाँ से आया? मैं गाँव से आया हूँ जी। अच्छा, तो गाँव में क्या नन्हे काके रहते हैं? वैसे मुझे तो तुम शक्ल से ही वो लग रहे हो। पड़ोसी? जी नहीं, फकीर। क्या मैं आपको फकीर लगता हूँ? 200 एकड़ जमीन है मेरे गांव में। हाँ, तो तुम क्या जमीन पे सोते हो? मैं क्यों जमीन पे सोऊंगा? मुझे महमूद से मिलना है, आप बुलाएं महमूद को। कौन महमूद? ये घर महमूद का नहीं है? अरे नहीं, ये तो मेरा घर है। कोई और भी तो रहता होगा इस घर में आपके साथ? हाँ, भाभी भाई और लाडला भी रहता है। लो जी, मैं सुबह का ऐसे अखबार हो रहा हूँ, मुझे वापस गाँव चले जाना चाहिए था। अच्छा चलो, अब आए गए हो तो चाय भी पी के चले जाओ। शुक्रिया बाजी जी। ओए, फिर बाजी? सॉरी मैडम जी। अच्छा चलो, दफो मरो अब। हाँ, मेरी इज्जत करिए ना। ओ खुदाया, किस जाहिल से पाला पड़ गया। डैडी जान, आप इतना लेट क्यों आए हैं? बताया तो था तुम्हें कि मकान देखने गया था उल्लू के पट्टे। वो आपने तो 4 बजे का बताया था ना? हाँ हाँ, वो एक दोस्त मिल गया था तो उसकी तरफ चला गया था। पापा जी, आपको पता है ना मैं बलजान हो जाता हूँ। निकम्मे, हर वक्त तू डांस करता रहता है, यूं यूं यूं, तो मैं को बच्चों के गुम हो जाऊंगा। वो पापा, आपने बताया था फोन पर कि उस घर में भूत है। हाँ हाँ, उस घर में ना बहुत भूत हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि भूतों ने आपको कुछ बोला है? नहीं, आपकी बात नहीं, मुझे तो आपको कैसे पता चला कि उधर भूत है? मुझे तो एक बार ही नजर आए, फिर नजर ही नहीं आई। अच्छा पापा, बताएं वो कैसे थे भूत? ऐसे थे वो?
तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लेकिन क्या पापा, चुड़ैले बहुत अच्छी थी। अच्छा पापा, तो फिर मैं भी जाऊंगा देखने घर। शट अप, जाओ अपने कमरे में। ओके, आप मैं फिर मामा को बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ले जाऊंगा, अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, चलो। मुझसे कौन मिलने आया है? कौन है वो बदबख्त? जरा देखो तो सही। ओहो मेरी यार मुदे, यार तू तो बड़ा मोटा हो गया और तेरा मुंह भी इतना बड़ा हो गया, जैसे तू है बड़ा घटिया इंसान। वैसे आपने इसे पहचाना सही है साहब जी। क्या? ओ यार सवेरा से तेरा कर लब लब के थक गया हूँ मैं। ओ यार सीधे वो मैं ना, वो लगता है मुझे तू भूल गया है। याद नहीं तुझे, गांव में तू भूखा नंगा फिरता था, मैंने तेरी मदद की थी। ओए साहब जी, आप भूखे थे क्या? हाँ, और नंगे भी। ओ यार सीधे, और तू किधर पुरानी बातें लेके बैठ गया यार। ओ मैं भी बैठा कहाँ हूँ, तू पूछ ही नहीं रहा मुझे। क्या पूछना है? कोई चाय लस्सी नाश्ता? अच्छा, तो आपको चाय नाश्ता बनाना आता है? लड़ले वो नाश्ता करना चाह रहा है यार। और साहब जी आप तो चुप करे ना, देखे ना ये कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। शट अप लड़ले, देख मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? साहब जी इनका नाक तो देखे, क्या बात है, लगता है पहाड़ी की स्लोप है। लाडले जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ, इन्होंने जाना भी होगा ना यार। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो मुंह धो के अब खाना ही खाऊंगा। क्या? अच्छा यार मुझे जल्दी से बता यार, मेरा कमरा कहाँ है? लाडले इनको ना शाजी के कमरे में ले जाओ जरा। लेकिन वहाँ पे जाओ मेरे पीछे पीछे आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैर खैरियत है? काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, शाबाश शाबाश। सब कुछ पैक कर दिया भाई? सब कुछ पैक कर दिया भाई। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तेरा। मैं तेरी इन्हीं बातों की वजह से तो तेरे पास आता हूँ, वरना इस मार्केट में कितने दुकानदार और भी हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ तेरे पास आता हूँ। शाबाश भाई, आपका हिसाब कुछ ज्यादा हो गए। ओए होए, कर दी ना गरीबों वाली बात यार, 400-500 रुपया है, मिल जाएंगे, कर दूंगा तेरा हिसाब किताब भी। ये पकड़ो। बस 300 रुपए भाई? हाँ हाँ मैं जानता हूँ ये तेरे लिए बहुत कम है। बकाया जो 5,430 रुपए वो कौन देगा भाई? अरे ये तो रख लेना, तेरे और पैसे भी हैं तो मैं दे दूंगा। और भाई जान फिर वो कब दोगे? यार मैंने कब इनकार किया है,
देखो यार, 4,000 है या 5,000 दे दूंगा ना, मैंने कभी तेरे पैसे रखे? अच्छा चलो ठीक है, मैंने देने ही हैं, दे के जाऊंगा, आप घबरा क्यों रहे हैं, ये मुझसे सामान दे दें। शाबाश, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। शाजी तुम लोग मेरी जरा भी तारीफ नहीं करते। सुनैना, तारीफ उसकी करते हैं जो तारीफ के काबिल। शट अप शाजी। आप जो मजाक करते रहते हैं, मेरे साथ भी एक मजाक हुआ है। क्या हुआ? ये महमूद साहब ने सौगात भेजी है संभालने से। हाँ, मैं जरा घर के काम काज करके आता हूँ। हेलो, ओ भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रशीदू सीधा। तो यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे दोस्त का घर है, उसने मुझे ये कमरा दिया रहने के लिए। लेकिन ये कमरा तो मेरा है। पहले होगा जी, अब तो ये मेरा है। अच्छा तो सुनैना चलो। शट अप शाजी। हाय, हमारे गांव में बीवी अगर ऐसे शट अप बोले ना तो उसकी जुबान खींच लेते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हैं ये आदमी। चलो चल के चाचा से बात करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। हाँ हाँ बात करो जाके। तो कमरा मेरा है, अब मैं रहूंगा यहाँ पे। शोर करते रहते हो। वो जो आपने मेहमान भेजा है ना, क्या हुआ उसे? वो हुआ कुछ नहीं है, आप उसे अपने कमरे में रखें। और देखो बेटा, मेरे कमरे का ना एसी खराब है और पानी भी ठंडा आता है यार। वो आपका मसला है। देखो देखो, एक दो दिन की बात है, वो चला जाएगा। शाजी अगर वो हमारे कमरे में रहेगा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? मेरी बात सुनो, मुझे क्यों घर से निकलवाने लगे हैं? आप ऐसा करें, कुछ दिन उसको अपने कमरे में रखें, मैं सामान और उसे देखता हूँ। क्या हो गया तुम्हें यार? अच्छा आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं महमूद बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो रशीद से मिलने आया हूँ। कोई और भी तो रहता होगा इस घर में आप? चुरियों वाली शक्ल। तुम्हारे पापा किस दिन काम आएंगे? तुम्हारे पापा किस दिन मैं तो कहती हूँ कि इस बैग को खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही किसी फकीर को दे देते हैं। लेकिन बस कर लाडले, ये मत भूल कि तुझे मैं जो तनख्वाह मिलती है ना,